सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पोको के डिवाइस के अंदर जो आपका JBL स्पीकर होता है उसको कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के लिए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली पहले कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल रहा है जैसे आपको, ठीक है, उस पर ये मेरा जो पहले से कनेक्ट हो रहा है, जैसे मेरा ब्लूटूथ स्पीकर पहले से कनेक्ट हो रहा है, आपको डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बीच में टैप कहीं नहीं करना, ठीक है। आपको जो नाम JBL का स्पीकर का नाम है, आपको एक एरो का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो आपका JBL स्पीकर की जो भी सेटिंग्स है वो सारी खुल जाएंगी। ठीक है, आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक अनपेयर का ऑप्शन दिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे अनपेयर का ऑप्शन भी क्लिक कर देना और यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह अपने JBL के स्पीकर को अपने पोको के फ़ोन के साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।